अलग मौज भाई। ओ भाई लेजेंडरी R6 यार। आलीधर ब्लॉगे देखेছি দাদা। আমার বাইকটা এটা আমার ড্রিম বাইক R6। রে यार सुबह सुबह कांड हो गया भाई। তো গাড়িতে যারা ছিল তারা সেফ? গাড়িতে যারা ছিল তারা সেফ ঠিক আছে? আমরা সবাই সেফ। ও আপনারাই ছিলেন? এই পাত্তিকে ওপারে যাচ্ছিল ভাই। হ্যাঁ পুরো মোটি আমাকে দেখে মোটি করে দাঁড়িয়ে। এই আয়নাটাও নাল লেগেছে। আর উনি ঠিক জেল দেবে যা বাইকে। बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ ठीक है, वरना तुम फंस जाओगे यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है ठीक है, तो तुम भी इन्वॉल्व हो जाओगे इस केस में। हाय हाय क्या किस्मत है भाई, जिंदगी हो तो ऐसा वरना। सो ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो गाइज फिर से एक नया संडे और फिर से यार नया संडे राइड। तो थोड़ी देर बाद हाईवे आ जाएगा भाई, तो तब होगा असली दबाई भाई। अरे यार सुबह सुबह। बस भाई और क्या चाहिए यार। संडे से राइड चालू भाई यहाँ से। ओ भाई अलग मौज भाई। ओ भाई लेजेंडरी R6 यार। यार सबसे मेन चीज ये है कि मैंने आज तक R6 अपने आंखों से कभी नहीं देखा भाई। बहुत सारा ब्लॉग्स बहुत सारा वीडियो में देखा और R6 मेरा फेवरेट बाइक है, इसी वजह से मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये पक्का R6 है। तो चलो यार देखते हैं यार। मैंने इसके पिछले वाले ब्लॉग में भी कहा था गाइस कि BMW 1600 cc में R6 मेरा फेवरेट है। R6 इंडिया में लीगल बाइक नहीं है ठीक है, पता नहीं क्यों यार, लेकिन यार मेरा फेवरेट है यार। मैंने बहुत वीडियोस देखा R6 का भाई और मुझे बहुत लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। लुक वाइज मेरे को नहीं लगता कि 600 cc में इससे मतलब गुड लुकिंग बाइक हो सकता है। आ चुका है अपना डानकुनी टोल, देख सकते हो आगे। यार यकीन नहीं हो रहा है कि मैं R6 देख रहा हूँ। আলিধর ব্লগে দেখেছি দাদা আমার বাইকটা, এটা আমার ড্রিম বাইক R6। দারুণ করেছো র‍্যাপিং ট্যাপিং, অসাধারণ লাগছে দাদা। এটা পেইন্ট আছে র‍্যাপ না? হ্যাঁ পেইন্ট, মানে এরকম পেইন্ট হবে পুরো? হ্যাঁ এটা পেইন্ট আছে, পুরো গ্লস লাগছে দাদা। দাদা তাও কিরকম কি খরচা করবে? দাদা তাও কেমন খরচা পড়বে এরকম পেইন্ট করতে গেলে? একটা অ্যাপ্রক্সিমেট একটা আইডিয়া আমার নিজের করার ইচ্ছে। 15-20,000 পেইন্ট হয়ে যাবে পুরো। তো চলো यहां यहां पे रुकते हैं भाई। R6 के सामने ही रुकेंगे भाई। अपना ड्रीम बाइक है, ड्रीम बाइक है ना, तो बनता है भाई। लाइफ में फर्स्ट टाइम R6 देखा भाई। तो ये जो लुक है ये बेसिकली द लेजेंडरी बाइक यामाहा R6 का फ्रंट लुक है यार। और साइड तो आप लोग देख चुके हो क्योंकि साइड से यार पूरा तो मतलब मैंने दिखाया ऑलरेडी अच्छे से, मतलब ऐसा दिखता है ठीक है। मतलब इतना मतलब पूरा मतलब आपको लगेगा कि थोड़ा R1 टाइप भी है, थोड़ा टायर का जो विड्थ है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये R15 नहीं है, ये लेजेंडरी बाइक है R6 जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और उसके साथ लगा हुआ है यहाँ पे रेस स्पीड का एग्जॉस्ट और मतलब खतरनाक आवाज़ निकलता है भाई, तो आपने देखा ही होगा। ओ भाई क्या गजब सेक्सी लग रहा है भाई। जितना सेक्सी R6 लग रहा है उतना ही सेक्सी यार टेनर भी लग रहा है यार। बहुत मतलब बहुत लाइक बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। अभी R6 का साउंड सुन लेते हैं भाई। ओ भाई यकीन नहीं आ रहा है भाई, ये 600 है, 600 cc है। अरे यार
सुबह सुबह कांड हो गया भाई, बाप रे बाप, एक भाई पूरा गाड़ी पलट गया भाई। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गाइस पता नहीं, लेकिन वहाँ पे देखो यार, मतलब गाड़ी पूरा उलट चुका है भाई। এটা কি এখন হয়েছে নাকি? গাড়িতে যারা ছিল তারা সেফ? গাড়িতে যারা ছিল তারা সেফ, ঠিক আছে? আমরা সবাই সেফ। ও আপনারাই ছিলেন? কি করে উল্টালো মানে এমনি? বাইক বাজাতে গিয়ে এ পাত্তিকে ওপারে যাচ্ছিল বাইক। হ্যাঁ, পুরো মোটি আমাকে দেখে মোটি করে দাঁড়িয়ে। ও আর আপনি এই ডান দিকে টার্ন করে নিয়েছেন? আমি টার্ন করে নিয়েছি, টার্ন করার ফলে এই আয়না সাহায্যে আমি এইদিকে চলে এসেছি। এই আয়নাটা ওনার লেগেছে। আর উনি ঠিক জেল দেবে যার বাইকে বাঁচি দিয়েছিল আর দাঁড়াবে। এমনি কারো কোনো এ তো গাড়ির ইয়ে হয়ে গেছে, এটা এটা তো হলো এইখানের জন্য। হ্যাঁ, এখানে পড়েছে বলে আমার কোনো টাচ হয়নি, হয়েছে এইটাতে। এইটা পুরো একদম গেছে, পুরো ওইটা তো গেছে, ওইটা তো পুরো চলে গেছে। অত লাগলে আর থাকে? গাড়ি কি ইন্স্যুরেন্স ছিল নাকি? তো ক্লেম করলে বোধ হয় পেয়ে যাবেন বোধ হয়। তো বড়ো বাচ্চান বেঁচে গেছে, হাইওয়েতেই হয়, আজকে সব টানাটানি করবে বাইক নিয়ে, কারো কিছু হয়নি। মেন এটাই ভালো যে ক্ষতিটা মেন হচ্ছে ওটাই, ওটা বেঁচে গেছে তো সব ঠিক আছে। আমি কপাল ভালো যে এই ঘাসের মধ্যে কিছু করে কাউর ইঞ্জোর, আমি ও আমি ওপারে চাপলে এই সব উড়িয়ে দিয়ে যেত আর সবাই চোট পেতাম। হ্যাঁ, ও ওইটা লাগলে আর বাঁচতাম না, আমরা জেলে বাঁচতাম। ওই যে আমি মাথা পুরো নিয়ে ডান দিকে ৭০ একটা গাড়ি ৭০ চলছিল ওই সময়। হ্যাঁ, এতে লাগলে শেষ পুরো একদম। বাচ্চা ছিল, আমার ছেলে ছিল। এ বাবা, আহারে, খুব বড় বাচ্চা বেঁচে গেছে यार। शुक्र है इस बच्चे का कुछ नहीं हुआ भाई। और पता है वो पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छा है भाई। सर ने कहा कि एक आपका कोई काम है क्या यहाँ पे? मैंने कहा नहीं सर, मैंने बस देखा रास्ते में, इसी वजह से मैं आया यार देखने के लिए, मतलब सब लोग सही हैं या फिर नहीं है। मैंने बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, वरना तुम फंस जाओगे यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है, तो तुम भी इन्वॉल्व हो जाओगे इस केस में। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो एज इट इज़ मैं चला यहाँ। तो चलो यार, चलते हैं गाइज। एक्चुअली एक लड़का था शायद, वो छपरी टाइप था, बाइक चला रहा था, वो अचानक से रास्ते के बीच में बाइक को ब्रेक मार दिया और बहुत ज़ोर से ब्रेक मार के वो रुक गया पूरा रास्ते के बीच में। और ठीक उस बाइक के पीछे ये वाला कार था, और वो अंकल वही कहा कि उस बाइक को बचाने के चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने अपने कार को इस साइड पे मोड़ दिया, ठीक है, और उस कार में एक छोटा सा बच्चा था भाई जो कि बच गया। जैसे आप लोगों ने देखा कि लेफ्ट साइड पे एक बच्चे खड़ा था यहाँ पे कुछ आंटीज के साथ, भगवान का कि उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ भाई। अंकल बस एक ही चीज़ बोल रहा था, मतलब जो गाड़ी को चला रहा था, कि मतलब अंकल ने तो राइट साइड मोड़ लिया इसी वजह से ठीक है, मतलब अंकल सेव हो गया। अगर अंकल ने अगर लेफ्ट साइड पे मोड़ा होता तो देख सकते हो यहाँ पे ये सब स्टोन है, ठीक है, और नीचे इतना ज़्यादा गड्ढा है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड पे अंकल ने गलती से भी मोड़ा होता ना तो बस मतलब बहुत बड़ा हादसा हो जाता गाइस आज। शुक्र है कि नहीं हुआ भाई। देखो बाइक चलाओ यार, लेकिन थोड़ा समझ के चलाओ यार। मैं भी चलाता हूँ, मैं भी ओवर स्पीडिंग करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, मतलब थोड़ा सोच समझ के चलाओ भाई। देखो यार कितना सारा बाइक से भाई। अरे तो गाइस आज और एक यूनिक बाइक देखने को मिला, तो मतलब मैंने आज तक कभी नहीं देखा है, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट पे, यूट्यूब पे बहुत बार देखा है, लेकिन यार सामने कभी नहीं देखा, तो फर्स्ट टाइम है गाइस। मैं एप्रिलिया देख रहा हूँ, तो आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप लोग भी देखो, मतलब बहुत खूबसूरत है ये वाला। तो मतलब कितना गजब डिज़ाइन है भाई इसका, मतलब हर साइड से देखो यार, मतलब बहुत गजब लग रहा है भाई। और मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मतलब जॉय बाइक्स पॉइंट पे मैं बहुत बार गया हूँ यार, लेकिन कभी नहीं गया, मतलब कभी भी नहीं देखा यार एप्रिलिया। तो इसका मीटर कोलेस्ट्रॉल देख लो यार, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। आप लोगों ने S1000RR नया मॉडल तो देखा है, लेकिन मैंने ये नया मॉडल ब्लैक कलर में कभी नहीं देखा, तो देखो यार फर्स्ट टाइम है, तो देख लो भाई नया मॉडल S1000RR, वो भी ब्लैक में।
वो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ गाइस। सच में यार बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत सेक्सी है। ये आ गया है दोस्तों खाना और मैं अकेला भी हूँ। सारे दोस्त लोग इसे देख सकते हो, ये देखो ये पूरा एम्प्टी है, ठीक है, टेबल सब कुछ एम्प्टी है, जगह जो है पूरा एम्प्टी है, देख सकते हो गाइस। मतलब सब लोग निकल चुके हैं, मैं अकेला यहाँ पे फंस चुका हूँ यार। मेरा गलती है भाई, मैं खुद लेट किया हूँ आज। मुझे आना था यहाँ पे 6:30 बजे, मैं 7:30 बजे एक घंटा लेट करके आया, तो इसी वजह से ना डानकुनी पे सुपर बाइक्स देखने को मिला ना, सारे सुपर बाइक्स अब निकल रहे हैं एक के बाद एक, और मैं यहाँ पे अभी आया हूँ। तो कोई बात नहीं यार, जब आया हो तो खाना बनता है भाई, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, तो ब्रेकफास्ट कर लेते, उसके बाद धीरे धीरे निकलेंगे। यहाँ पे कुछ टाइम पहले बहुत सारा सुपर बाइक था, अभी देखो यार एक भी सुपर बाइक नहीं है। तो सब मतलब एक के बाद एक सब लोग यार निकल रहे हैं, तो मतलब लगभग निकल चुके हैं, बस कुछ और सुपर बाइक अभी बचा हुआ है। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद यहाँ से निकल जाऊँ, और देख सकते हो मैं पूरा रेडी हूँ अभी। तो चलो यार अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों से डायरेक्टली मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे, और आप लोग राइड को एंजॉय करो, वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहो। तो चलो, अरे बाप रे बाप, तो देख सकते हो सामने टेनर। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हो, मैं सबको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप कभी भी NH2 पे आते हो, ये NH2 है, तो अगर आप कभी भी आज़ादी आते हो NH2 पे, तो यार थोड़ा सोच संभाल के बाइक चलाना, क्योंकि यार मतलब आगे बहुत सारा गड्ढे आपको देखने को मिलेगा, अचानक से आ जाएगा, मतलब इतना सामने आ जाएगा और इतना बड़ा गड्ढा आ जाएगा ना अचानक से, ये देखो, ठीक है, कोई चोट मोट नहीं लगा, आप गिरे नहीं तो ठीक है, लेकिन यार ऑयल सील पक्का टूटेगा, तो थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा और थोड़ा बैलेंस रख के चलाना पड़ेगा। तो जी गाइस, हम लोग आ चुके हैं डानकुनी टोल पे। बहुत सारे भाई लोग रुकते हैं, क्योंकि सारे सुपर बाइक्स लौटने का टाइम पे यहीं पे रुकते हैं, और देखो यार बहुत सारे सुपर बाइक्स यहाँ पे है भी, तो यहाँ पे रुकते हैं भाई। गाइस अभी फिलहाल देख सकते हो 8:06 अभी निकल चुका है भाई, क्या लग रहा है ना। भाई मेरा तो नज़र ही नहीं हट रहा है भाई, R6 है भाई, लेजेंड भाई, लेजेंड। सर, ओ सर, আসছি। তখন বাই করা হলো না, প্রপার হবে, এখন বললাম প্রপার হবে, আসছি, আবার দেখা হবে। मैं रनिंगली बाइक चला रहा था, सडनली आ गया भाई अली भाई, तो मतलब प्रॉपर तरीके से बाइक नहीं कर पाया, तो अभी फिलहाल प्रॉपर तरीके से बाइक कर दिया भाई को। और सामने देखो हायाभूसा, ओ भाई भाई, देखते ही देखते मैं फिर से पहुंच चुका हूँ बाली ब्रिज पे, और अभी यार वक्त है घर लौटने का। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करना यार, व्लॉग आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक ठोक देना, नए हो तो चैनल पे यार सब्सक्राइब कर देना। चलो यार आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए गाइस पीस।